क्या चल रहा था हम लोग का इसमें टॉपिक, इस पीछे जो हम लोग की क्लास रुकी थी एट दैट टाइम कौन सा टॉपिक चल रहा था हम लोगों का यार, कौन सा टॉपिक चल रहा था? आई थिंक स्केलिंग। यस सर, वो टाइप ऑफ द स्केल पढ़ा सकते हैं। यस सर, यस, मेजरमेंट ऑफ द स्केलिंग टेक्निक्स चल रहा था, और उसमें जो वो नॉर्मल टाइप के स्केलिंग्स थे, जैसे आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल एंड द रेशियो, दिस फोर टाइप ऑफ स्केल्स आर डिस्कस्ड। अब आगे इसके जो डिफरेंट टेक्निक्स थी उनको हम लोगों को डिस्कस करना था, जिसमें कि गटमैन स्केल, देन द थर्स्टोन स्केल, देन सीमांतिक डिफरेंशियल, ये कुछ जो थे वो हम लोगों को अब आगे फर्दर देखने हैं कि इसमें लाइकर्ट, देन मल्टी डायमेंशनल फैक्टर, ये सारे कुछ स्केल्स जो हम लोगों को फर्दर आगे देखने। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास में गटमैन से, और उससे भी पहले एक बात ये है कि आपका जो शेड्यूल टाइम था वो बेटा मैं लौटा काफ़ी देर से, मैंने आपके सीआर को मैसेज भी किया था, बात भी हुई थी सर मेरी उससे कि 2-2:30 बजे मैं वापस आ पाया हूँ, दैट इज़ वाई हैव शेड्यूल्ड योर क्लास एट दिस ऑड टाइम, वरना आपका नॉर्मली टाइम वही रहेगा आपके क्लास वाला। ठीक, तो आप लोगों ने एडजस्ट किया है उसके लिए ड्यू टू माई कंपल्सन्स, तो ये मेरी तरफ से ही देर हुई है आपको। ठीक, तो नॉर्मली रेगुलर हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक टाइम ही रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ये आज बेटा देर हो गया है, तो उसको वो मत लीजिएगा कि ये तो यार किसी भी समय क्लास होनी शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन चल रही है तो। ठीक, तो आपकी नॉर्मल वैसी ही रहेगी। अब ये तो एक ऐसा इवेंट ही था कि मैं बाहर था और लौटना काफ़ी देर से हो पा रहा था मेरा, 2-2:30 बजे तक, इसलिए ये आपकी जो क्लास है वो शाम के टाइम पे हो गई। आपका नॉर्मल टाइम वही 11 से 12 वाला है। चलिए तब तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना द गटमैन स्केल। गटमैन स्केल, और सबसे पहली बात है ये कि व्हाट इज दिस स्केलिंग, काफ़ी कुछ बात इस पर हो चुकी है, बट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है कि स्केलिंग है क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि आगे अब इसके बाद आप एनालिसिस पे चले जाओगे, तो डेटा का कलेक्शन हो गया, हल्का सा रिवीजन ज़रूरी क्योंकि काफ़ी सारी बीच में गैपिंग्स भी हो गई हैं लंबी, डेटा का कलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद उसके कलेक्शन की टेक्निक्स हो गई, उसके मेथड्स हो गए, ये सारा हम लोगों ने कर लिया। देन स्केलिंग, अभी स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, आपको कुछ समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ दिस स्केलिंग, हल्की सी इस पर एक दो जवाब अगर आपसे मिल जाए, हालांकि हम लोगों ने 4 स्केल वो नॉर्मल स्किल्स डिस्कस कर लिए हैं, बट अगर एक दो जवाब आपसे मिल जाए कि ये स्केलिंग है क्या, तब हम लोग को आगे चलने में बड़ी अच्छा आसानी होगी कि इनकी टेक्निक्स क्या है। तो एक दो जवाब आप लोगों की तरफ से छोटे छोटे अगर मिल जाए कि ये स्केलिंग है क्या, मतलब क्या हुआ स्केलिंग का, नॉर्मल मीनिंग की एकदम नॉर्मल उसमें बात हो कि स्केलिंग से आप क्या समझते हैं, या कहीं चर्चा हो रही है कि स्केलिंग, तो फिर स्केलिंग को आप क्या बोलने वाले हो कि स्केलिंग मतलब क्या। तभी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा आपको उसमें, और तभी बढ़िया होगा। इस स्केलिंग से क्या अंडरस्टैंडिंग बनी बेटा आप लोगों की? सर, स्केलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग एंड असाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स। देखो इतना कठिन कठिन बोल रही, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, एकदम आसान शब्दों में बताइए, एकदम नॉर्मल, कि घर में ऐसे आदमी को बताना है आपको जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जैसे अभी ये क्लास चल रही है और थोड़ी देर के बाद आपके घर में कोई छोटा भाई बहन या कोई भी गार्जियन पूछे किस चीज़ की क्लास हो रही है, स्केलिंग के लिए क्या होता है, आप क्या बताएंगे, इतना तगड़ा बता देंगे तो कहेगा भाई पता नहीं क्या पढ़ रही है ये, और अब तो फो पता नहीं MBA, मतलब बड़ा खतरनाक, इस टाइप का जवाब है आपका हिमांशी जी। ये जवाब भी चाहिए मुझको, लेकिन एक लेवल पर एंड इन द आंसर कॉपीज, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जवाब है, क्या समझ रहे हैं इससे आप, जो एक लेमैन को बताया जा सके स्केलिंग मतलब सर, मेजरमेंट मेजरमेंट। करना। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे बताइए ना कि किसी भी चीज को नापना है भाई, कि अब नापना है हमें,
वो चार तरीकों में, पांच तरीकों में बांटना है, सम मेजरमेंट, सम क्लासिफिकेशन, इस तरीके की कुछ बात हो रही है, एकदम आसान शब्दों में बतानी है हम लोगों को। ठीक, तो ये हो गया मेजरमेंट। अब बात ये हो रही है कि जो हमने डेटा बनाया ये, अब इसको हमको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए पहले तो चार वो तरीके हो गए आपके, ठीक है ना। तब आपको समझ में आने लग जाएगी क्यों इंटरवल बनाए हम, क्यों कुछ और बनाए। इस तरीके से आपके चार पांच ये तरीके आ गए। फिर फर्दर आगे बढ़ जाते हैं ये टेक्निक्स पर। अब ये जो टेक्निक्स है ये क्या कर रही है आपको कि ये जो स्केलिंग या जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, इनको बेसिस करने के लिए कई सारी की टेक्निक्स आ गई हैं कि ऑन बेसिस ऑफ सम टेक्निक्स यू आर गोइंग टू स्केल। अब ये कौन सा स्केल है? ये डेटा उस तरीके का डेटा है कि जहाँ पर आपने जो कलेक्शन ऑफ डेटा किया, रेशियो कंप्लीट नंबर में लगेगा आपका, ठीक, जो बिल्कुल रियल टाइप के हैं। अब कुछ एटीट्यूड्स आपको, कुछ एटीट्यूड्स पे आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, कोई एक सर्वे पे क्वेश्चन बनाए हैं किसी प्रोडक्ट के। अब उनके जो आंसर हैं ये क्या बिल्कुल रियल है? नहीं है। इनमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस यू हैव क्रिएटेड, इन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू, नाउ लिसन केयरफुली, नाउ यू आर गोइंग टू स्केल द एटीट्यूड्स और द आंसर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। इतनी सी बात है कि बल्कि जो सामने वाला बोल रहा है, वो जो बोल रहा है इसको हमको कुछ नंबर देना है ना इसको, क्योंकि हम स्टैट्स पे काम कर रहे हैं। वी आर इन द रिसर्च, रिसर्च का मतलब स्टैट्स है, स्टैट्स का मतलब नंबर गेम है। पहली परिभाषा स्टैट्स के, स्टैट्स इज द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, और फिर आगे वो बड़ी बड़ी बातें कि उसका फिर आगे एवरेज हो, फलाना हो, ठीक, उन परिभाषाओं पे नहीं जाते हम, लेकिन नंबर एक बेसिक बात है। तो जहाँ पर हमें ऐसी वैल्यूज में नंबर को, कुछ ऐसे आंसर्स को कलेक्ट करना है और उनको न्यूमरिक फॉर्म देनी है, देन वी हैव टू मेक सम स्केल्स कि अब ये जो इनका आंसर है ये न्यूमरिक वैल्यूज में कहाँ पे स्टैंड होगा। अब किसी का हाथ आपने पकड़ा, बुखार है, हाँ भाई है यार, वो अब तो नापना पड़ेगा कम है कि ज़्यादा, दैट इज द स्केलिंग। क्या वो दो के ऊपर जा रहा है तो फौरन ही कुछ करो, चार पे जा रहा है तो एकदम से डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल को देखना है, देखते हैं यार 100 के आसपास है, अभी रुक सकते हैं, काज जरा गोली वोली देखे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टेकिंग द डिसीजन ऑन द हेल्प ऑफ द स्केलिंग। अब ये जो बुखार की बात थी इसको तो आपने कर लिया बिल्कुल सिंपली, क्योंकि ये रियल टर्म्स में डिफाइन हो रहा था, ठीक, जाओ आपका थर्मामीटर है उसने उसकी स्केलिंग कर दी कि ये बुखार इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। ऐसे ही अगर आपने एक सर्वे में कोई क्वेश्चंस बनाए हैं तो उसमें जो लोग आंसर दे रहे हैं इनसे आपको एक न्यूमरिक फॉर्म क्रिएट करना है फॉर द पर्पस ऑफ योर रिसर्च कि इन आंसर्स को हम किस कैटेगरी में फर्दर डाल सकते हैं, इनको हम क्या माने, इन आंसर्स के बेसिस पे इनको हम क्या माने, इनको क्या न्यूमरिक वैल्यू दें, कहाँ पे ले जाएं हम, और कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी तक जो भी स्केल है जैसे रेशियो का है, इसमें तो नंबर होंगे कि कोई चीज किसी से इतने परसेंट पे ज्यादा है, इतने परसेंट पे कम, ठीक है ना। कोई चीज डिफाइनेबल है इन द टर्म्स ऑफ न्यूमरिक वैल्यूज, जैसे हाइट है, वेट है, डिस्टेंस है, यहाँ पर आपके सारे अच्छे स्केल काम कर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर न्यूमरिक वैल्यूज में जो चीजें डिफाइन नहीं है वहां पर आपको स्केलिंग के लिए टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, ठीक। इतनी सी बात है, सिर्फ छोटी सी, कि जहाँ पर आपके लिए जो डेटा है वो न्यूमरिक टर्म में डिफाइन नहीं है, एंड यू आर असाइनिंग सम न्यूमरिक वैल्यूज टू सच डेटा, देन यू आर ट्राइंग टू यूज द स्केलिंग टेक्निक्स। वो स्केलिंग टेक्निक्स हैं जो अब डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएंगी और बोलेंगे कि नहीं, इस डेटा को ऐसे सेट करा जा सकता है, अगर इस तरीके के आंसर आ रहे हैं तो इस टेक्निक के हिसाब से ये है। अब उन टेक्निक्स में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहली है आपके लिए गटमैन स्केल, और गटमैन स्केल को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव स्केल्स, और गटमैन ये एक पर्सन थे, उनके नाम के ऊपर उन्होंने इस स्केल को डिफाइन किया, दैट इज वाई दिस स्केल इज कॉल्ड द गटमैन स्केल, ठीक, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गटमैन स्केल। अभी जो गटमैन स्केल है एक्चुअली ये स्केलोग्राम भी बोलते हैं इसको, ये क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, मीन्स क्यूमुलेटिव, जैसे आपने देखा है कि जो जिन्होंने भी थोड़ी सी स्टैट्स देखी है तो क्यूमुलेटिव फॉर्म या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हम लोग करते थे जब मीडियन को फाइंड आउट करते थे कि सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप जोड़ते चले जाइए, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसको आप लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव।
अब ये गटमैन स्केल में होता क्या है आपके लिए? आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए और उन क्वेश्चंस को सर्वे में आपने कुछ डिग्री भी दी, ठीक, कुछ रेंज दी कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिज़ाइन। ये एक अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको दो आंसर मिलेंगे, यस और नो। नो मिल जाता है कोई झगड़ा नहीं, यस मिल जाता है या नो भी मिलता है तो फिर आप उसकी क्या कर सकते हो आगे, नंबरिंग, कि हाँ भाई अगर आपको डिजाइनिंग पे पसंद नहीं है तो देन असाइन सम वैल्यूज टू, अब कितना, जैसे 4 या 5 ले लें, हाईली डिसएग्री या टोटली यू आर नॉट इन फेवर ऑफ, सेकेंडली यस आई डिसलाइक बट ऑन सम एवरेज वैल्यूज, आई लाइक बट आई लाइक वेरी हाई और आई लाइक टू मच, इस तरीके से आपने कुछ डिग्रीज बनाई। तो यस और नो पहली तो इसमें बांटवारा है आपका, फिर आपके पास यस के बाद आप डिग्री बना सकते हैं इसमें। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ठीक, तो इसमें अगर वो जिस पॉइंट पर जाकर रुकता, अगर आपने उसको अपने स्केल को बनाया 0 to 5 0 to 8 0 to 10 में, कि जो जी बिल्कुल डिसएग्री है वो तो जीरो है, ठीक, जो है डिसएग्री है वो जीरो पे है, हाँ आप पसंद कर रहे हैं तो कितना सेकेंड, इस लेवल तक, फिर उससे ज़्यादा लेवल तक, तो ऐसे करके जो आपने ये स्केल बनाए, तो इसमें उस रिस्पोंडेंट को आपने किसी क्वेश्चन में कहाँ पर रखा, जहाँ पर आया वो मार्क उसके आगे नोट हो गया एट द पॉइंट। अगर हमने स्केल बनाया 5 पॉइंट का तो वो आ गया 2। फिर दूसरा क्वेश्चन पुट होता है उससे, उस पर देखते हैं आगे कि वो कहाँ तक जा रहा है, ऐसे करके जो उसका पूरा बन के आया, फिर उस रिस्पोंडेंट का उस रिस्पोंडेंट का टोटल वैल्यू ले लेंगे हम लोग 4-5 क्वेश्चन में, कि इन्होंने कितने आंसर दिए हैं मुझको और किस लेवल तक हाई अच्छे दिए, तो जहाँ तक वो एग्री होते चले गए हमारे क्वेश्चन पर, वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, एंड रिस्पोंडेंट जो हमारा नंबर है उस रिस्पोंडेंट के आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में वो यस हैं ओके किया है उन्होंने, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यस किया है ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यस किया है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मेरा था ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, ऐसे करके आप कई सारे, एक अगर आपका मार्केटिंग सर्वे है तो सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन फ्रेम रिगार्डिंग द एक्सेप्टेबिलिटी और अपीयरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स, ऐसे करके आपने अगर कई सारे क्वेश्चंस बनाए तो वो स्टेटमेंट्स हो गए आपके लिए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ये आपके ऐसे आते चले जा रहे हैं। इधर आप रिस्पोंडेंट्स का नंबर डाल लीजिए, कितने कितने रिस्पोंडेंट पे आपने काम किया है, तो अगर जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसके आगे अब आपने डालना वो किस किस क्वेश्चन पर एग्री था, किस किस क्वेश्चन पर डिसएग्री था, यस नो यस नो, आपको अगर जितने यस मिल गए, नो तो आप काम ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इकट्ठा करनी है, तो अगर यस आपको जितने सारे मिल गए उसके नाम के आगे इधर एक फाइनल टोटल आप लगा दीजिए कि आउट ऑफ माय 10 क्वेश्चंस ही सेज इज यस ऑन 7। तो आपने क्या किया कि इन सारे यसेस को एक क्यूमुलेटिव फॉर्म दे दी कि इतने मिल गए 7, फिर क्वेश्चन नंबर रिस्पोंडेंट का कोई दूसरा नंबर आपने पिक किया, उसके आगे ढूंढे कि इन्होंने कितने यस किए, क्या 5 किए 4 किए, जितने भी यस किए अगर मेरे 10 क्वेश्चंस थे उनका टोटल हम सामने लिखते चले जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर मेकिंग, वी आर जस्ट क्यूमुलेटिंग द अफर्मेटिव आंसर्स और क्यूमुलेटिंग द आंसर्स ऑन विच द पर्सन आर डिसएग्री, दो तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक। तो क्यूमुलेटिव आंसर्स को आपने एक जगह सारा इकट्ठा कर लिया, तो इसने आपको एक ये आइडिया तो दिया कम से कम कि आउट ऑफ If your research group of is just of 20 or 50 peoples, out of them 20 are agree at the level of some percent, 50 are level at the level of this percent. एक percentage भी तो आपको आपके लिए सामने आ जाएगा ना बन के कि 10 में से 5 क्वेश्चन पर इतने लोग राजी थे, तो 50% acceptability is among the peoples of this percentage range. More than 50% of this percent range. High, totally disagree, जो सारे जीरो आपको मिल गए हैं of this percent.
तो उसने क्या किया, इसमें आपको फोकस कहाँ पे देना है, जहां गटमैन स्केल की बात आ जाए, क्यूमुलेटिव स्केल की बात आ जाए, ये डिग्री पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्केलिंग में डिग्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है, ये स्केलिंग किस चीज की कर रहा है, केवल कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कितने अफर्मेटिव आंसर है और कितने निगेटिव आंसर है, और अफर्मेटिव आंसर्स को एक साथ कर देता है। तो ये डिग्री किस बात की कर रहा है कि किस हद तक आप हमारी चीजों को यस कर रहे हो और किस हद तक आप हमारी चीजों को नो कर रहे हो। फर्क समझ आ रहा है, ध्यान देना है आपको इस पे, किस पे ध्यान देना है, इन द गटमैन स्केल जो आपकी यस है और जो आपकी नो है उसके बीच की बेसिकली स्केलिंग है। आगे जो दूसरी स्केलिंग टेक्निक्स आएंगी उसमें यस की रेंज और नो की रेंज की ज्यादा बात होगी। इसमें आपको किस पे उसने फोकस कर दिया है पूरा ले जाके, जब भाई आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ दे रहे हो, उठा के सारे क्वेश्चंस के यस आपने एक साथ जोड़ दिए, क्यूमुलेटिव आंसर आपने बना लिया कि आउट ऑफ 10 7 यस अगर आपको मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, आपने बोल दिया कि हाँ इस बंदे ने 7 क्वेश्चन मेरे जो है वो ओके किए हैं, ये आपने अपने पास एक रिकॉर्ड बना लिया। तो इसका मतलब क्या है, आप ये जानना ही नहीं चाहते हो कि इस यस में डिग्री कितनी है या इस नो में डिग्री कितनी। ये गटमैन है, पहले जो हम लोग बात कर रहे थे स्केलिंग की, दैट इज द परफेक्ट स्केलिंग, मतलब पूरी स्केलिंग की सारी टेक्निक्स को कवर करते हुए दैट वाज द ओवरव्यू कि हम लोग डिग्री को भी लेंगे, ठीक। पर गटमैन स्केल डिग्री को लेता नहीं है, गटमैन स्केल यस नो में बात करेगा आपसे, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड उसके यस और उसके नो के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द आंसर और द रिस्पॉन्डेंट्स करता है। इज इट क्लियर, या और इस पर कोई सवाल आपकी तरफ से बनता है प्लीज, या फिर से मुझे एक आध बार इसको दोहराना है। प्लीज एनी क्वेश्चन ऑन द गटमैन? नो सर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा बस, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, शुरुआत की स्केलिंग जो टेक्निक्स आई थी उनमें इस्तेमाल होता था, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद विचार करके देखो, होता क्या है, अगर आप कोई मार्केटिंग सर्वे कर रहे हो तो क्या केवल इतने से काम चल जाएगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन? नहीं चलेगा बेटा, आपको ये भी जानना पड़ जाएगा कि हाँ पसंद करते हो तो इसके क्या कारण है। बात समझ आती जा रही है, इसके क्या कारण है, किस हद तक आप पसंद करते हैं, तब तो आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन और कुछ अच्छी चीज़ें करके आप होल्ड कर सकते हैं अपनी उस क्वालिटी को, आप अपनी उस डिज़ाइनिंग जो आपकी अच्छी है जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, जब आप उसकी तह में जाएंगे इंटेंसिव रिसर्च पर, देन यू कैन सस्टेन ऑन सच पोजिशन, तब तो आप उस स्थिति पर रुक पाओगे उस पर काम करके। सेम विद द निगेटिव इफेक्ट, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ लोग मेरी इस डिज़ाइनिंग से नाराज़ हैं, तो भाई किस तरफ से कैंट साहब, वो आपकी कार है ना, उसका वो जो साइड वाला लुक है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, आपने तो यस नो पे काम कर लिया केवल, अब आपको ये पता तो हो कि साइड वाले लुक से लोगों को दिक्कत है, या इतने लोगों को साइड वाले लुक से दिक्कत है, इतने लोगों को यार वो जो पीछे से ऐसा ओवल शेप आया है इससे दिक्कत है, तो ये जब डेटा आपके पास कलेक्ट होगा देन यू कैन डू सम इम्प्रोवाइजेशन। तो ये शुरुआत की सारी टेक्निक्स थी गटमैन स्केल। ये जब हम लोग बहुत डीप रिसर्च में जाते हैं या जहाँ पर जाकर आपका मोटिव ऑफ रिसर्च ये होता है कि यू हैव टू डू सम इम्प्रोवाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द योर रिसर्च, तो वहाँ पर ये स्केल थोड़ा सा कम काम कर पाता है। क्लियर, ये वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जहाँ पर आपकी रिसर्च में ऐसा डेटा आ गया है कि जिसको न्यूमरिक फॉर्म में आपको डिफाइन करना है, बट वो बहुत हद तक थ्योरेटिकल है और उस पर या आपका मोटिव आगे जाके उसमें बहुत इम्प्रोवाइजेशन का नहीं है, वहाँ पे ये स्केलिंग टेक्निक काम कर सकती है क्योंकि ये थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, और ये कॉमनलाइज बहुत जल्दी कर देती है चीज़ों को। अब कितनी कि आपके 10 क्वेश्चंस के आंसर के बेस पे हम अगर ये परसेंटेज डिसाइड कर दें कि 80% लोग हमारे उससे सेटिस्फाई हैं, आपको 8 सही आंसर मिल गए, 2 आंसर पे किसी ने निगेटिव बोल दिया और ऐसे 10 लोग हो गए 100 में से, तो आप बोलोगे 10% पीपुल ऐसे हैं जो 80% सेटिस्फाई है,
ये स्टेटमेंट रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हो सकता, ये मेरी राय है, ठीक? क्योंकि वो जो दो है 20%, उनकी तह में जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको, कि वो किस फैक्टर पे उन्होंने डिसएग्री है आपसे, और वो फैक्टर्स आपकी सेल्स पर क्या असर डाल सकते हैं इन द मार्केट सर्वे, ठीक है? तो ये काम करता है, पढ़ना है हमको, आपको सबको, इसलिए। लेकिन यूजिबिलिटी के हिसाब से डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि आगे आपको चीज़ें क्या होंगी यूज़ के हिसाब से सीखनी होंगी। तो अभी पढ़ने के हिसाब से गटमैन स्केल इज द क्यूमुलेटिव स्केल और द स्केलोग्राम, ये जितने भी आंसर्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी में हम सीधे सब जोड़ दिया करते थे, वैसे ये द आंसर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट को जोड़ दो, तो वो फुल वैल्यू बन गई आपकी, ठीक? इस ढंग से काम करता है, तो एक ग्रिड बन जाएगी आपकी, नंबर डालते चले जाइए, ये रिस्पोंडेंट हैं, क्वेश्चन के नंबर डालते चले जाइए, तो एक ग्रिड का फॉर्म तैयार हो जाएगा। उस ग्रिड के फॉर्म के हिसाब से आप आखिरी में उठा के उसको जोड़ दीजिए सबको, तो इस तरीके से आपका ये एक डेटा तैयार हो जाएगा कि जो आपको काम करेगा, ठीक? चलिए अब थोड़ा सा दूसरा स्केल हम लोग देख लेते हैं, और दूसरे स्केल में सीमांतिक डिफरेंशियल, ये क्या चीज़ है? तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख ले, सीमांतिक डिफरेंशियल, सीमांतिक डिफरेंशियल्स को बनाया था चार्ल्स ई ऑस्गुड, लिख लीजिए इनका नाम, सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल्स इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स ई ऑस्गुड, ठीक? ये किस चीज पे काम कर रहा था? अधिकतर जो डेटा आपने कलेक्ट कर रहा है उसका आपको अब ये रेंज की बात करना शुरू करता है, ठीक? कि स्केलिंग कंसिस्ट, ये जो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है स्केलिंग में, उसको अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये कैसे आपका करेक्ट होगा? बेसिकली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 7 पॉइंट, 7 पॉइंट दे गए आपको, 7 पॉइंट्स। तो बीच वाला पॉइंट आप मान लीजिए कि आपका न्यूट्रल इफेक्ट है, और उससे 3 पॉइंट नीचे तक आप लो इफेक्ट को ले जाओ, और उससे आगे 3 पॉइंट पर हाई इफेक्ट को ले जाओ। तो इस तरीके से जब आप स्केलिंग को करोगे, देन इट इज द सीमांतिक डिफरेंशियल स्केलिंग। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी चीज के विषय में ये अच्छी है या बुरी है, ठीक, तो एक मिल जाएगा, यार ठीक है मुझे नहीं कहना कुछ, न्यूट्रल जीरो कर दो आप। हाँ, लोग मिलेंगे बुरी कहने वाले, तो इनको भी 3 डिग्री दे दो, कितनी बुरी, हाँ पसंद नहीं है, अच्छा भाई पसंद नहीं है, ठीक, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे, नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, तीसरे मिल जाएंगे बिल्कुल ही हेट है, इनको तो देखना ही नहीं है मुझे, पर यू आर गिवन द 3 डिग्रीज टू द निगेटिव एस्पेक्ट एंड 3 डिग्री टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट, और एक आपका बीच में पॉइंट है, दैट इज द न्यूट्रल। ये किसी भी तरीके से इसको आप बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द 7 पॉइंट्स, ठीक? गुड टू बैड और फास्ट टू स्लो और ऑनेस्ट टू डिसऑनेस्ट, सेम विद द लाइकिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? अब अगर आपकी ये जो जिस पिछले एग्जांपल में मैं लोग बात कर रहा था गटमैन वाले में, ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन ऑफ द कार, तो अब ये डिजाइन ऑफ द कार में भी आप ये 7 पॉइंट ले सकते हो, ठीक, करेक्ट? तो ये 7 पॉइंट के बेसिस पर आप काम करोगे, तो जो जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उनका जो पर्सनल जजमेंट है, इसको आपकी जो उनका जो जजमेंट है किसी भी रिस्पोंडेंट का, आप क्यों कर रहे हो रिसर्च, बिकॉज देयर जजमेंट इज द आंसर ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम होगी ना, कार में बिक्री कम आ रही है, या आपका यही एक सवाल है कि कार की डिजाइन के साथ हमें दिक्कत है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको लेके आप लोगों के पास जा रहे हो, तो अब क्योंकि कार खरीदते हैं लोग, आप उनके पास में गए सर्वे करने के लिए, तो उनका पर्सनल जजमेंट प्रॉब्लम का आंसर है, या आपकी बनाई हुई चीज में अगर वो अपने लिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो उनका व्यू है, और उनका व्यू आपका जो रिसर्च क्वेश्चन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, समझ आता जा रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका तो कंसेप्ट इसका क्या है, पहले वाले का कंसेप्ट तो यस नो था, इसका कंसेप्ट क्या है, टू स्टडी। आप स्टडी तो तभी कर पाओगे ना जब कोई रेंज है आपके पास,
यस नो है तो स्टडी बहुत वैसी हो जाती है, एक वेरी सिंपलाइज्ड फॉर्म, वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्टडी, ठीक ना। तो अब अगर आपके पास रेंज मिल रही है 60 डिग्री की, कि हाँ ओके है, तो अब आपका, अब आपके लिए काम बढ़ता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपका काम क्या है, आपकी जो चीज क्या है, गुड, गुड के बाद कौन सा है, हाँ वेरी गुड, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद कौन से मिलेंगे, कि एक्सीलेंट। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि गुड वालों को पुश कर पाओ आप वेरी गुड की ओर, वेरी गुड वालों को आप पुल कर पाओ एक्सीलेंट की ओर। ऐसे ही जो आपसे टोटली डिसएग्री, वेरी बैड, पुअर, उनको आप लेके आ पाओ जीरो के आसपास, तो भी आप अच्छा काम कर पा रहे हो, ठीक ना। ये स्टडी जब आप कर पाओगे, तो ऑन बेसिस ऑफ सच स्टडी यू कैन क्रिएट सम थिंग्स टू इम्प्रोवाइज दीज आंसर ऑफ द पीपल। रिसर्च में आपको बोलना क्या है कि हमारा काम आगे क्या होगा, कि कल को और कोई सर्वे हो तो आफ्टर इम्प्रोवाइजेशन दिस सर्वे प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिजल्ट। ये जो मेरे गुड हैं ये वेरी गुड हो जाएं, ये जो वेरी गुड हैं ये एक्सीलेंट हो जाएं, या जो ये टोटली डिसएग्री हैं ये डिसएग्री पे आ जाएं, डिसएग्री वाले न्यूट्रल पे आ जाएं, ये आपका पाथ होना चाहिए, ठीक। तो पाथ का मतलब आपको काम किस पे करना है, फाइनली आपको चाहिए क्या, द रिजल्ट आज बाद में क्या चाहिए, कि ये एट द टाइम ऑफ द सेकेंड सर्वे दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ये चीजें बदल जाए। तो जब आप 60 डिग्री पे काम कर रहे हो, बहुत ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की कोई एटीट्यूड हो, किसी चीज को बेचने जाओ, प्राइस से रिलेटेड बात हो, किसी भी चीज से रिलेटेड बात हो, आपको ध्यान क्या रखना है कि बीच वाला मीन्स द फोर्थ पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मैं न्यूट्रल वर्ड बोल रहा हूँ वहां पे, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो सूट होता हो वो पॉइंट, कि मतलब ऐसे लोग हों कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी से पूछो, अरे भाई वो आपने मेरा कार देखा, तो उसने कहा है यार हम कोई भी ले लेते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, हर 2 महीने में कार बदलते हैं यार, मुझे झगड़ा ही नहीं है, मेरा काम तो ये है कि बस मुझे 2 महीने में कार बदलनी है। तो ऐसे लोग आपके लिए टोटली न्यूट्रल हैं, ठीक। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं कि आपकी डिजाइन क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, इनमें बदल देना है यार, खत्म। फिर इसके बाद फिर अगर कोई कॉन्शियस है, तो अब आप स्टडी करनी फिर उसकी, न्यूट्रल वाले को के बाद जो लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं, किस कारण से, किस हद तक, फिर आगे आपको उसमें इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ाना है। तो बेसिक बात क्या है कि न्यूट्रल पे वो लोग आएंगे कि जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई व्यू या ओपिनियन रिगार्डिंग योर क्वेश्चन नहीं है, या देते दे नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी फिर अगर वो कोई आगे बढ़ते हैं, एग्री हैं, तो किस रेंज तक हैं ये स्टडी करेंगे हम, तब तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। या अगर वो डिसएग्री हैं, तो उनकी रेंज फर्दर इन थीम थ्री कैटेगरीज में क्या है, ये काम करना है, ठीक। तो पहला काम आपको उनके पर्सनल जजमेंट को कलेक्ट करना है। देन अगला काम आपको क्या करना है, कि उन जजमेंट के पीछे द क्राइटेरिया ऑफ देयर माइंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन आंसर्स, बड़ा इतना सिंपल नहीं है भैया, जितने सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी, बिकॉज यू आर गेजिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट को गेज करना सच अ टिपिकल थिंग। किसी को कोई बात पसंद है, तो बहुत दफ़ा वो ये भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि क्यों पसंद है, और किसी को कोई बात नहीं पसंद है, तो बहुत अच्छे से वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा क्यों नहीं पसंद, ठीक है ना। और बाकी से रिसर्च और सर्वे में हमारा फोकस किधर होता है, कि किसी चीज़ की लुकिंग पर कोई चीज़ पसंद है, रिगार्डिंग द डिज़ाइन, रिगार्डिंग द कलर, रिगार्डिंग द प्राइस, किसी भी कारणों से हम बोल सकते हैं हम तो वही फीचर पे काम करेंगे, या उन फीचर पे सोचेंगे जो फीचर हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, ठीक। लेकिन ये साइकोलॉजी को गेज करना है, और साइकोलॉजी को गेज करने में कोशिश आपकी जो सवालों की है वो कुछ ऐसी भी हो या डिस्कशन हो, कि क्राइटेरिया फैक्टर फॉर द आंसरिंग ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, वट टाइप ऑफ क्राइटेरिया फैक्टर इन द माइंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, ये अगर आपको मिलना ले पाए आप, देन यू आर इन द बेस्ट पोजिशन। जैसे मैंने पहले एक सवाल की बात आपसे की थी, कुछ मिल जाएंगे जो बोलेंगे मुझे तो 2 महीने में कार बदल लेनी है, अब इनके माइंड का क्राइटेरिया क्या है आपके सवाल जवाब देने का, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उनके माइंड का क्राइटेरिया क्या है
वो चाहे आप जाए, आपका मतलब चाहे फोर्ड वाला जाए या कोई हुंडई जाए, चाहे कोई जाए, वो तो बोलेंगे मैं तो 2 महीने में बदल देता हूँ। नो केयर विद योर ब्रांड, नो केयर विद योर वैल्यूज, नो केयर। तो उनका माइंड क्राइटेरिया आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब किसी को कोई पसंद आ रही है और बोले यार ये कार कर रहा है, आई एक्सट्रीमली लाइकिंग, क्यों? अरे है यार पसंद। अब क्या करेंगे आप, है यार पसंद तो है यार पसंद, तो कारण तो भी तो कुछ आप ढूंढ पाए उसमें। तो सच द माइंड क्राइटेरिया, उसका पीछे का मीन्स कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इफ यू आर कलेक्टिंग दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ द डिग्री, देन फैक्टर्स बिलोंगिंग सच डिग्री, आंसर फैक्टर रिगार्डिंग माइंड क्राइटेरिया। तो अगर ये भी आपको मिलते हैं ड्यू टू द शॉर्ट डिस्कशन, इनके लिए कि स्पेस छोड़िए अपनी सर्वे में, अच्छे से लिखते जाइए कि अपने उसमें सर्वे में जब आप ये क्वेश्चन बनाएं तो इनके लिए स्पेस छोड़ें, वाई दिस पर्सन इज आंसरिंग रिगार्डिंग एक्सीलेंट। कोई बोले आपकी कार या आपका ये प्रोडक्ट बहुत एक्सीलेंट, अरे साहब क्यों? अगर वो क्यों के एक दो जवाब भी देगा, देन यू आर एबल टू एसेस हिज माइंड क्राइटेरिया लेवल ऑफ आंसर, किस क्राइटेरिया के बेस पर वो आपकी चीज़ों को, वरना तो क्राइटेरिया आप डिफाइन करके दे रहे हो ना उसको, कि डिज़ाइन के कारण पसंद है क्या, कलर के कारण पसंद है क्या, कुछ और कारण से पसंद है क्या, आप दे रहे हो ना वो क्राइटेरिया, वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से देता चला जा रहा है। तो हो सकता है कोई एक ऐसी हिडन चीज़ हो जो हाथ में ना आ रही हो आपके, दैट इज़ वाई ओपन द विंडो, उनके लिए विंडो भी खोलो। डिज़ाइन को हम किस तरीके से देख रहे हैं और डिज़ाइन को हमारा रिस्पॉन्डेंट किस तरीके से देख रहा है, इसमें भी भेद हो सकते हैं। समझते जाइए बहुत ध्यान से, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ों को गेज करना सच अ डिफिकल्ट टास्क है। और अब आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को गेज कर रहे हो, फिर उनको न्यूमरिक वैल्यू असाइन करोगे और उन न्यूमरिक वैल्यू के हिसाब से आप अपने रिजल्ट के आंसर डिफाइन करोगे। तो दिस इज़ द बेस, एंड इफ़ यू आर not very clear on the base or not designing your base very efficiently, then your conclusion regarding the research answers is going to be affected. बात समझ आती जा रही है बहुत अच्छे से आपको? तो पहला काम, किसी के पर्सनल जजमेंट आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर है। दूसरा काम कि फैक्टर्स को आपको क्या करना है, जानने की कोशिश करनी है, नोट करते जाइए सेकेंड पॉइंट में, बिहाइंड द माइंड रिगार्डिंग द क्राइटीरिया इन द माइंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, उसके दिमाग में क्या क्राइटीरिया है इन 7 डिग्रीज पे, जो वो झूला झूल रहा है आपका जवाब देने वाला। मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ध्यान देना है आपको इस पे, ये लिखिएगा जरूर अपने आंसर में आप, वरना जनरली आंसर यही मिलते हैं कि वो 7 डिग्री स्केल ऑफ द चार्ल्स एफ एस गुड का, बस ई एस गुड का, ऑस गुड का, ठीक। आपको ये लिखना चाहिए कि ये जो 7 आंसर है इसमें क्राइटेरिया बिहाइंड द माइंड, किस सोच के कारण वो ये आंसर दे रहा है। आपके लिए काम की बात तो वो है, वो मिलेगी तब आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर पाएंगे, ठीक, तब आप किसी को पुल या पुश कर पाएंगे टू द डिफरेंट डायरेक्शन। बात समझ आती जा रही है? क्योंकि ये आंसर्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, ये आंसर्स किस कारण है, साइकोलॉजिकल आंसर है, और साइकोलॉजिकल किसी को ड्राइव करना, उसकी साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करना है, और उसकी साइकोलॉजी तभी आप सेटिस्फाई कर पाओगे जब उस साइकोलॉजी के पीछे का कारण आपको समझ में आए। कोई चीज़ सस्ती महंगी बिक रही है तो आप कोई सस्ता चाहता है, आप सस्ता कर दो, आपका काम हो जाएगा, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर तो आपको साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना है, तो आप जल्दी से उस क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करेंगे, देन उन क्राइटेरिया के पीछे के फैक्टर्स का कंपोजिशन, उनको इकट्ठा करिए आप, कि कितने लोग इस तरीके के मिले कि जिनकी इस माइंडसेट के कारण आंसर दे रहे हैं। तो उतने लोग अगर मैं इस पर अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कर दूंगा तो वो आगे चेंज कर सकते हैं अपनी डिग्री और हमारे लिए बेटर हो सकते हैं, ठीक। अब इस काम को करने के लिए आपको स्पेशल पैनल ऑफ जजेस भी बनाना पड़ेगा कि जो इस बात के एक्सपर्ट हों, द स्टेबिलिटी बिहाइंड द वेरियस आंसर्स, किस तरीके के दिमाग, अगर किसी ने बता दिया भाई आपकी कार पसंद है और इसके पीछे ये है, तो ऐसे एक्सपर्ट्स भी आपके पास हो, उनका पैनल हो कि जो इस बात को अच्छे से समझ पाएगी, इस आंसर के पीछे ये मोटिव हो सकता है, ये चीज़ें इसके बिहाइंड में हो सकती हैं, और अगर यहाँ पे काम किया जाए तो ये लोग और बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक। तब एक कंपोजिट स्केल वैल्यू आप उनको दें,
सारे पॉइंट नोट करते चले जाइए। 7 पॉइंट पे बटना है ये। उसके बाद क्राइटेरिया आपको जानना है, क्राइटेरिया के बाद उसके फैक्टर्स जानने हैं, और इनको समझने के लिए पैनल ऑफ स्पेशलाइज जजेस, जो लोग इस लाइन के स्पेशलाइज हैं, जो स्टिमुली को रेट कर सकते हैं, उनके पैनल से आपको अपने क्वेश्चंस लेके जाने हैं और उनसे इसकी रेटिंग करानी है। ठीक, उनसे जब आपकी रेटिंग हो जाएगी, देन आपका जो ये सैंपल है उसमें आप ये बोल सकते हो कि आई हैव मेजर द एटीट्यूड परफेक्टली इन बोथ द डायरेक्शंस ऑफ माई क्वेश्चंस। दोनों डायरेक्शन में मैंने एटीट्यूड को रेंज किया है कि अगर कोई नाराज है तो किस डिग्री पे नाराज है, उसके कारण क्या है, ऐसे अगर कोई खुश है तो उस किस डिग्री पे है और उसके कारण क्या है। देन यू कैन इम्प्रोवाइज द थिंग्स इन द मैनर विच इज गोइंग टू बी द फेवर फॉर द इंस्टीट्यूशन और द एंटिटी। क्लियर? कोई सवाल इस पर? यस बेटा, कोई सवाल है इस पर? नो। नो तो अब हम लोग ओके तो हम लोगों के सर। दो चीज पे बात हो गई अब। ठीक, तो जल्दी से एक छोटा सा और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास को जल्दी खत्म भी कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत और टाइम पे हमने बुला लिया है। तो एक छोटा सा स्केल और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, लाइकर्ट। ठीक, जिसको कि हम लोग समेटिव स्केल बोलते हैं। ठीक, तो समेटिव स्केल मीन्स द लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट ये इनके नाम पे ही बना हुआ है, इनका नाम ही था लाइकर्ट, इसलिए इस पैटर्न को बनाया है लाइकर्ट ने। और ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है? इन द सोशल स्टडीज। ठीक है, अब इसमें जो रिस्पोंडेंट की वैल्यूज हैं उनको हम लोग स्केल करते हैं, और अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? इन द सोशल साइंसेस। ठीक, सिमांटिक डिफरेंशियल किस में इस्तेमाल हो रहा था? ऑन द साइकोलॉजिकल मीनिंग्स। ये बातों को बिल्कुल रट लेना है, कनेक्शंस को। सिमांटिक डिफरेंशियल किस में इस्तेमाल हो रहा था? ऑन द साइकोलॉजिकल। और समेटिव या लाइकर्ट स्केल किस पर इस्तेमाल हो रहा है, किस कहाँ पे काम करता है? ऑन द सोशल साइंसेस। ये कितनी डिग्री में गेज करने के लिए बोलते हैं? 5 डिग्रीज। ठीक, एग्रीमेंट से डिसएग्रीमेंट के बीच में 5 डिग्रीज में कहते हैं कि बात कर लो बस, इससे ज़्यादा मत करो। 5 पॉइंट स्केलिंग। ठीक, तो 5 पॉइंट स्केलिंग में वही जो मैंने आपको रटाया कि जब भी ऐसे स्केल बने तो जो उसका मिड पॉइंट है उसको आप न्यूट्रल लिख सकते हो या अनडिसाइडेड लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद कोई डिसएग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री है, एग्री है या स्ट्रांगली एग्री है, बस 7 पॉइंट्स पे नहीं ले जाते आपको, 5 पॉइंट में ये बात कर लेते हैं केवल आपसे। ठीक, तो ये लाइकर्ट स्केलिंग है जो आपसे 5 पॉइंट की बात करती है। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी सिमांटिक डिफरेंशियल्स, वो किस पे बात कर रही थी? 7 पॉइंट्स पे, क्योंकि वो साइकोलॉजी की बात कर रही थी। तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी में ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक, चलिए, तो लाइकर्ट टाइप ऑफ स्केल को जब आपको फॉलो करना है तो इसके पीछे क्या मोटिव होगा कि आप इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? गटमैन में आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, यस नो चाहते हैं। 3 स्केल आज डिस्कस हो गए हमारे आपके साथ। एक गटमैन जो आपको यस नो में काम करा देता है कि क्वेश्चंस को यस नो और उसी पे हमने सारा काम कर दिया। दूसरा साइकोलॉजिकल स्केल, जिसको कि हम लोग बोल रहे थे सिमांटिक डिफरेंशियल, वो 7 डिग्री स्केल है, जिसमें कि काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ कि फर्दर आपको ये भी जानना है कि व्हाट इज़ द माइंड बिहाइंड द आंसर, फिर उनकी सारी आपको इकट्ठा करना है, एक्सपर्ट के पास भेजना है, ये सब। नाउ द लाइकर्ट स्केल, लाइकर्ट स्केल 5 डिग्री स्केलिंग, 5 डिग्री केवल, बस ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, और यहाँ पर आप स्कोर असाइन कर दीजिए, स्कोर असाइन कर दीजिए, मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, इसमें स्कोर असाइन कर दीजिए। ठीक है, 1 से लगा के 5 तक जो स्ट्रांगली डिसएग्री है उनको 1 नंबर दे दो, जो स्ट्रांगली डिसएग्री है स्ट्रांगली एग्री है उनको 1 नंबर दे दो, जो एग्री है उनको 2 दे दो, अनडिसाइडेड 3, डिसएग्री 4, स्ट्रांगली डिसएग्री 5। ये 5 नंबर पर आपने बांट दिया। ठीक, तो सारे आंसर्स को जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए ये 5
पे बटे हुए हैं और पांचों के नंबर भी आपने दे दिए। तो जब भी आप अगर कोई किसी भी ग्रुप पर अपना ये टेस्ट लगाओगे या लोगों से काम करोगे, तो जो रिस्पॉन्सेस आएंगे वो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट स्कोर 5 अगर मिल रहा है आपको तो मोस्ट अनफेवरेबल, ठीक। लोएस्ट स्कोर अगर 1 मिल रहा है तो मोस्ट फेवरेबल, क्योंकि अब आपने तो डिग्री वैसी बनाई हुई है ना 1 to 5, 1 इज द हाईली एग्री, 2 इज द एग्री, 3 इज अनडिसाइडेड, 4 इज डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जितने आपको 5 आपने देखे और 5 बहुत ज़्यादा मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके लिए वो हाईली अनफेवरेबल हैं। तो जो टोटल एटीट्यूड हुआ आपका, सारे कई सारे रिस्पोंडेंट हो गए, उनका जो टोटल एटीट्यूड हुआ उसका एनालिसिस हो जाएगा, ठीक। तो ये लाइकर्ट स्केल का काम है, समेटिव समेटिव कर देता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, हाईली रिलायबल है। और जिस तरीके से चीज़ें, जब आपको साइकोलॉजी के हिसाब से अगर काम नहीं करना है, केवल आपको अपने जो आपने क्वेश्चन डाले हैं उसके हिसाब से आपको आंसर चाहिए, उसके हिसाब से आपको नंबरिंग कर देनी है, तो ये लाइकर्ट स्केल आपके लिए बहुत काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपके लिए ये, ठीक। और इसमें जो ये रिस्पॉन्डेंट है इनके स्कोर्स का, आप अगर टोटल भी लगाओगे तो आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि हमको इतनी वैल्यूज मिल रही हैं। एक एरे बना लीजिए, पूरा एक एरे बन जाएगा कि हाईली डिसएग्री वाले कितने मिल गए, एग्री वाले कितने मिल गए, इनका भी हम टोटल लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो आपने नंबर दे दिए हैं, ठीक। एक परसेंटेज भी बनाया जा सकता है, जो मैं एकदम शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि इतने के बीच में कितने परसेंट लोग हैं आउट ऑफ 25, हाउ मैनी हैव आंसर्स 5, मतलब टोटली अनफेवरेबल, हाउ मैनी आंसर्स 1, टोटली फेवरेबल। इस तरीके से आप परसेंटेज भी क्रिएट कर सकते हो, बात समझ आती जा रही है आपको। तो ये आपको क्या देगा कि अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हो जाएगी। कि अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि अगर हम डिज़ाइन से रिलेटेड बात करें, तो डिज़ाइन पर अगर आपको 3 टोटली अनफेवरेबल मिल जाएं और 5 ऐसे मिल जाएं जो टोटली फेवरेबल हैं उसी डिज़ाइन पे, हो सकता है ना ऐसा? आपने 20 लोगों पे काम किया है, अब आपके लिए बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा कि अगर मैं बदलने जा रहा हूँ तो ये 3 बिल्कुल नाराज़ होने वाले हैं, यार मेरे तो 5 लोग टोटली फेवर में, 3 लोग टोटली अनफेवर में, अब क्या किया जाए? समझ आती जा रही है बात? तो ये आपके लिए इंडिकेटिव है, समेटिव तो कर देगा, लेकिन और फर्दर डीप जाने के लिए फाइनली यू हैव टू गो टू द साइकोलॉजिकल, जाना ही पड़ेगा लास्ट में। लेकिन जहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इतना इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं, इतनी डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं, तो लाइकर्ट स्केल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हुए चलता है। आप अपनी रिसर्च को बहुत जल्दी कंक्लूड कर सकते हो, उनके बड़ी जल्दी मीनिंगफुल आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, पैसा कम है, और आपने अपने क्वेश्चंस को लॉजिकली अच्छे से ऐसे बनाया हुआ है, तो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करके आप जल्दी रिजल्ट के नज़दीक जा सकते हो। अगर आपके पास पीछे का कोई कंपेरेटिव डेटा है, एक कंटिन्यूस स्टडी है, कंटिन्यूस आपके पास कोई ट्रैक और ट्रेंड रिकॉर्ड है रिगार्डिंग एनी वर्क और रिगार्डिंग एनी परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर लाइकर्ट स्केल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, बिकॉज पहले से ही चीज़ें एक पैटर्न के हिसाब से चल रही हैं। आपको एक कन्वेंशनल स्टडी और कर लेनी है कि इस थिंग्स आर अप टू द मार्क, इससे डिग्रेड तो नहीं हो रही हैं, बस इतना अगर आपको करना है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन जहाँ पर मैं आपका फोकस ले गया था, दैट वॉज सो थोड़ा सा डीप था, कि अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो टोटली अनफेवरेबल हैं, और ऐसे भी मिल जाएं उतने नंबर में जो टोटली फेवरेबल हैं, तब आपके लिए क्या करेंगे आप? बात समझ आती जा रही है? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस स्केल, ये इस स्केल की लिमिटेशन हो गई, कि आपको ये तो बता देगा कि हाँ भाई इतने परसेंट लोग जो है वो टोटली फेवरेबल है, और ये भी बता देगा इतने परसेंट लोग टोटली अनफेवरेबल है। अब आपके लिए सरदर्द है यार, अगर वो नंबर एक जैसा हो जाए, अब क्या करोगे आप? डिज़ाइन बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदल रहे हो तो कुछ लोग नाराज होने वाले, नहीं बदल रहे हो तो कुछ और लोग नाराज होने वाले, ठीक। तब फर्दर आपको, अगर आपका बेसिकली जिस चीज़ पे भी आपने किया, अगर इसी डिज़ाइन के क्वेश्चन को आगे बढ़ा लें, अगर आपका जो
आप ऐसी इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं कि यू आर द लीडर, देन यू हैव टू लॉन्च अ डिफरेंट वर्जन फॉर द पीपल्स हु आर टोटली डिसएग्री। इसने ये आइडिया आपको दे दिया कि इतने परसेंट लोग तो टोटली एग्री और इतने परसेंट टोटली डिसएग्री है। ठीक, तब आपको करना क्या पड़ेगा, उनके लिए एक नया मॉडल या कोई एक नया वर्जन लाना पड़ेगा। अगर बेटा वो परसेंटेज सेम आ रहा है, टोटली एग्री वाला बड़ा अच्छा आ रहा है और डिसएग्री वाला परसेंट भी बहुत अच्छा है, बात समझ रहे हैं, 20 लोगों पर रिसर्च हुई, 7 लोग बोलते हैं कि टोटली एग्री, 7 लोग बोलते हैं टोटली डिसएग्री, बाकी 6 लोग बीच के हैं, तो आप बदल नहीं सकते हैं कि वरना वो 7 तो बिल्कुल गए जो टोटली डिसएग्री हैं। और कंटिन्यू करना भी दिक्कत का काम है क्योंकि अब वो जो 7 हैं वो टोटली डिसएग्री हैं, तो या तो साइकोलॉजिकल रिसर्च पे जाओ और वो जो 7 लोग हैं उनको आप कन्वर्ट कर पाओ थोड़ा पीछे की डिग्रीज की ओर, और अगर ये काम नहीं हो सकता तो उनसे बात करो, उन 7 से के ऊपर कुछ अलग डीप स्टडी करो और उनके लिए नया वर्जन ला दो। इसलिए आप देखते होंगे बड़ी जल्दी जल्दी नए मॉडल आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी नई चीजें आती हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा सा इसका जो यूजेस है वो उस पर भी मैं आपका ध्यान लेते चले जा रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो हो ही रही है। ठीक, तो 5 डिग्री पे जब हम लोग काम करें तो लाइकर्ट स्केल है, 60 डिग्री पे काम करें तो जिसे भूले कभी ना आप, कैसा भी OMR का आंसर आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ जाए या रिटन क्वेश्चन पेपर आ जाए, ये 2-3 बातें याद रखोगे तो सब लिख लोगे। ठीक, यूजबिलिटी वहाँ कौन आपसे इतनी पूछ रहा है, आप लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे नंबर हो जाएंगे। ठीक ना, 60 डिग्री पे काम करेगा या 5 डिग्री पे काम करेगा, वो यस नो पे काम करेगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा। ये 3 बिग डिफरेंस अभी आपके 3 स्केलों के बीच में हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी कुछ बातें डिस्कस हो गई हैं, अब मुझे लगता है आज की क्लास को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा है आपका। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टुडे सेशन देन यू कैन पुट इट ऑन, नाउ इट इज़ योर टाइम, और एनीथिंग यू हैव टू से। यस बच्चों, कुछ पूछना है बच्चे भैया तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं आप, फिर आपका बोलने का टाइम है, मैं सुनूंगा, इतनी देर से आप सुन रहे थे, नाउ इट इज योर चांस। यस, क्या हो गया, नाराज हो गए भाई, क्या इतनी देर की बातचीत से बोर हो गए, लग रहा कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। यस, एनी क्वेश्चन? नो नो, ओके, तो देख लीजिएगा इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बनते, 3 स्केल हम लोग के भी डिस्कस हुए, कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी बनती है तो नेक्स्ट सेशन में आप इसको रेस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हमारा टारगेट रहेगा कि जो ये बचे रह गए हैं आपके मल्टी डायमेंशनल और थर्स्टोन, इनको डिस्कस कर लेते हैं, देन फैक्टर एनालिसिस, तो फिर उसकी बात सर, करते हैं। ओके ओके देन, थैंक यू सर, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ओके बेटा, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक सर, यू वेरी मच।